हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के अभी बज रहे हैं 9। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। आज ना मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है। मेरी जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और आज मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। शादी के लगभग 2.5 साल के बाद मैं पहली बार इतनी लंबी छुट्टी आई थी और लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ पर। अब समय आ गया है वापस जाने का और इतने टाइम के लिए आई थी तो अब जाते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर और करते हैं सामान पैक, क्योंकि मेरा पूरे घर में सामान फैला हुआ है। वो सामान को पैक करते हैं एंड ऊपर चलते हैं। दिखाती हूँ कि यहाँ मेरी रोज़ सुबह की शुरुआत कैसे हुआ करती थी। आ जाओ। हाँ भैया को बुलाती हूँ, फोन लगाया। तुम्हें स्पेशल टास्क के लिए बुलाया गया है। क्या टास्क? ये टोकरी तैयार करनी है। ये रहा तुम्हारा सामान। आपका समय शुरू होता है अब। ये है पपीता, ये है अनार, और ये है नारियल, ये अंगूर, मिठाई और ये केले। केले तो कितना फ्रेश है। ये दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे। उन्होंने अपनी जगह पहले ही बना ली। पहले आम रखेंगे। दीदी के लहंगे का चुनरी भी नहीं लगाते साइड में। अब क्या बचा? कोई थोड़ा सिंगल्स लाठी दे दे। कितनी सुंदर लग रही है। तो है काम बड़ा अच्छा किया भाई। काम तो हम वही कर रहे हैं, काम पूरा। ऐसा बंद है कि आसानी से खुल जाए। पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया पूरा दिन वेट करा के कब आएगी तो? कैसा लग रहा हूँ मैं? वैसा ही, ज़्यादा छोड़े गया था कल मैं। सुबह कोई आ गया था ना, इसलिए हम लोग आए नहीं। अब शाम हो चुकी है, शाम को बजे 4। फिर सारी तैयारी और हो गई है, बस हमें सिर्फ अपने ड्राइवर का वेट था जो मुझे लेने आए है ना। मैंने चाय छोड़ दी था मुझे। इसके लिए तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैंने डेयरी के सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए। बस कुछ पढ़ लिया होगा, जैसे आदमी ने मुझे बताया। कुछ पढ़ लिया होगा पक्का, है ना? ये क्या है? ये मेरे दहेज का सामान। दहेज का सामान? कैसे लग रहा है? वैसे ही बना रखा है, शादी में जाता है। शादी तो हो रही है ना बड़ा, जैसे विदा करके ले जाओगे तुम मुझे। अंगूर भी है। नमस्ते। सबसे पहले ना मुक्की ने क्या देखा उसमें, उसको झपका के कि उसमें अंगूर है कि नहीं है। मैंने देखा मेरे काम का क्या है, बाकी तो चलो जो भी है। इसे खोल के दिखाना हमें। ये हम दोनों को बर्थडे गिफ्ट है। थाली कहाँ से किया ना उन्होंने? हाँ तुम खा लेना। ये मतलब हम दोनों के बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि हमारा बर्थडे मंथ आने वाला है ना, इसलिए भारी तो आने वाला है। मुक्की का पहला है ना, इसने नाम भी लिखवाया है। एक में मुक्की और मेरा भाई। ये रहा, इसमें लिखा है डॉली। और ये है परात। ये है इसमें। ओ घी भी नहीं मिल रहा है। मैंने तो आज ऐसे ही सब छोड़ दिया। बोल रहे मैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाऊंगा। मम्मी ने घी भी दे दिया। देखा आज से मैंने सब छोड़ दिया, दूध दही घी मक्खन। लेकिन क्यों? पहले सबसे पहले ये जाएगा घर के अंदर, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएंगे, फिर पीछे से बोलो। पहले 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 माल दिखा तब लड़की के अंदर जाएगी। उस दिन भी ऐसे लेके आए थे उनके, वो भी सामान, ये भी सामान, एक बैग, ये गद्दियाँ भी पड़ी हैं। इसको और ये है मेरी छोटी छोटी बुक का सामान। इसको कहाँ रखना है? इसको
इसको कहाँ रखना है? इसको मैं अपनी गोद में ले जाऊंगा, ठीक है शुगा? दादा लोग बुआ के साथ जाओ। इसमें सारी जो मार्केट से शॉपिंग की ना वो वाला सामान है। बहुत बहुत भारी है। ठीक है। ये है खाना पीना, असली खाना पीना यही होता है। चावल इसमें आटा नहीं है? आटा नहीं है। चूसे की तो जगह ही नहीं बचेगी। ये आ जाए, ये तो आ जाएगा। शुगा चलो आप भी बैग पैक करो। अगर शुगा को इस वक्त कहीं लेके जाना होगा तो सिर्फ शुगा क्या लेके जाएगा अपने? क्या? सिर्फ डायपर ही लेके जा सकता। शुगा योगा करके दिखाओ, योगा करके। दूसरा भी पकड़ो। इसका बैलेंस नहीं बन पाता, अभी छोड़ देता है ना। नानी आप भी चल रहे हो? चलो तैयार हो जाओ। दूल्हे की तरह फल और फूल। मेरा वीडियो बना रहे हैं। ओके की छोटी आई इतनी बड़ी, ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए असंभव कार्य हो जाए। बात तो सही है। इसीलिए तो हमारी सास ससुर को भी दुब्बर लेके नहीं घूमते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ऐसे रखना है क्या? हाँ मुख्य ऐसे रहना है। और ये घर तक ऐसे रहना है? ये ऐसे रहना है, ये टास्क है। हाँ कोई नहीं, गाड़ी में जाना है। कुछ कहना चाहती हैं आप? आपको भी जाना है बुआ के घर? बुआ के घर जाना है आपको? हाँ बुआ के घर जाना चाहते हैं आप? एक स्माइल दे दो तो हम समझ जाएंगे। मुंह कैसे कर रहा भाभी? देखो डग डग। ये लो, ये आपके लिए, ये पकड़ पकड़ो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बुआ ले जाएगी अपने साथ। अभी अभी उसे नहीं पता है इस के बारे में। तू भी ओमी की तरह इस पॉकेट में रख ले। अब जब बुआ अगली बार आएगी तो प्यार करना बुआ को। ले ले तो रिश्वत नहीं लूंगा घर में। नहीं ले रिश्वत, ये ले। अरे ना दे यार उसको, पकड़ भी नहीं रहा भाई। नहीं पकड़ेगा भाई वो। और मेरा ब्रेसलेट तो बहुत पकड़ता है। क्या हुआ यहाँ पर? निशान का लगा, टीका लगा हुआ। एक बार मुक्की को बना के दिया था इतनी अच्छी टोकरी मैंने, मुक्की ने ऐसे ऊपर से पकड़ी और सारी तोड़ दी। छोटा बच्चा था नर्सरी में ना। कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जा रहा है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। मैं ला रही हूँ। अरे मेरे पास भी दो हाथ हैं। मैं कह रही हूँ मुझे डांट खिलाने का पूरा इंतजाम कर रखा है मम्मी ने। क्यों? इतना सारा सामान दे दिया। सामान ना देगा तूने? वहाँ जाके डांट खाऊंगी मैं। मार के लाए थे वहाँ से। वो मेरा पर्सनल सामान था। ये भी पर्सनली? ये पर्सनली है। वहाँ जाके मुझे बोलेंगे ये क्यों लेके आई, वो क्यों लेके आई। और यहाँ से मुझे बोला जा रहा है ये भी ले जा, वो भी ले जा। लड़की होना साहब ऐसा ही होता है हमारे साथ। मम्मी अपने घर गई तो मम्मी की मम्मी ने क्या क्या दिया था? मम्मी नानी ने? हाँ वो तो नानी बता सकती है। नानी नानी आप पहली बार मेरे घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो बाय शुगा, बुआ को मिस करना। बुआ अगली बार आएगी तो फिर प्यार करना सीख जाना, ठीक है? हाँ मैं तो ऐसे जाने वाली थी, मेरी चप्पल का यहाँ ढूंढती रात में होगी। हाँ कई बार होता है ना ऐसे, लोग ऐसी चप्पल पहन के भाग जाते हैं। मेरे साथ भी वही हो जाता है। यहाँ भी सामान और आगे जो बैठेगा उसे भी सामान पकड़ना पड़ेगा। हो रही डिक्की बंद, चल निकल ले। चल बैठो अभी इनको। चलो अब कट ले। कौन बैठता था? इसको मेरी याद आएगी तो मुझे बता देना। अगर मेरी याद आएगी तो बता देना। आ गया पीछे फिट। नानी को हो रही जगह? हाँ पड़ी यूनिक्स देखना, हमें देख के पागल हो जाएगा। यहीं से आप कुर्ता ना फड़े। हाँ सही कहा। यूनिक्स की आवाज़ आ रही है। आज फिर से मैंने चिकन कारी कुर्ता पहना है दोबारा। यूनिक्स को रिलैक्स करना पड़ेगा पहले। यूनिक्स को कि बेटा रुक जाए थोड़ा शांत हो जाए। मुक्की तुमने मेरी चटिंग की है ना, जान मुझे पिंक पहन के आए थे तुम। तुमने मुझे देख के पहना है। यूनिक्स को छलना मारती है।
चलो नानी। हाँ ये नानी है। नानी को गाड़ी में हो गया। क्या हो गया? उल्टी चक्कर आ गया। चक्कर नानी को। बहुत दिन बाद बैठे क्या? मेरे नहीं छुए गए? ये वो इतना नानी जो हमने घर में बनाया था इडली। इसमें डाल के खा लो। सबसे पहले तो रूम में घुसते ही देखो मुझे क्या मिला है। ये सारा यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि मुक्की को पता है मुझे मैड एंगल्स और पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही नहीं, मेरे बैग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से दी है। ये सब है मेरी छोटी छोटी भूख के लिए क्योंकि सबको पता है कि मुझे शाम को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए और वो खाना नहीं होता है, ऐसे ही कुछ होता है। बैक टू बेसिक गाइज, मैं फाइनली 1.5 महीने के बाद अपने घर से आ गई हूँ और इस कमरे में बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो अब ये वाला कमरा आपको दिखता रहेगा मेरे व्लॉग्स में। सो मम्मी लोग आए थे, डिनर विनर किया, सब ने बैठ के बातें की और अभी जैसे मम्मी लोग गए हैं मुक्की उन्हें छोड़ने के लिए है। अभी जैसे मैं बैग खोल रही थी ना, अपना अनपैक कर रही थी रूम में आके, तो देखो मुझे क्या मिला। ये मैंने अपनी मम्मी से मना भी किया था कि मम्मी बस ऐसे टीका कर दो, लिफाफे वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं है, हमेशा तो आती रहती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं अभी तो आई है, देना है, शगुन होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें। मैंने फिर भी मम्मी को मना किया था कि नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी ने फिर भी ना चुपके से मेरे हैंडबैग में ये डाल दिया और मतलब उसके बाद कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि नहीं दिया होगा, लेकिन अभी जब मैं अनपैक कर रही थी तो इसमें डाल दिया मम्मी ने। देखो ऐसी होती है माँ। देखो बचपन में खाते थे ना ये चिप्स, वो वाले चिप्स भी लाई हूँ। ये मम्मी ने मुझे दिलाए कि तेरे को पसंद है तो ये लेके जा। इसमें डेट्स दी है मुझे, देखो ना कि और भी चीज़ें होंगी। ये देखो ये है, छोटे बच्चों को पैम्पर किया जाता है ना, वैसे मेरे घर में मुझे पैम्पर किया जाता है क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ वहाँ पे। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि तू छोटी थी और तू छोटी ही रही है हमेशा। मेरा भाई भी मुझे ये कहता है कि तू हमेशा छोटी ही रही है हमारे। ये है कांसी की थाली, तो कांसी की थाली में खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मम्मी ने स्पेशली मुक्की और मुझे दिलाई है क्योंकि हम दोनों का बर्थडे मंथ आने वाला है, तो मम्मी ने अपनी तरफ से हमें गिफ्ट दी है। आ गए तुम इतनी जल्दी? मैं भी सोच रही थी इतनी तेज़ी से गए थे, तेज़ी से आ भी गए तुम। कोई परेशान हो रहा था तुम्हारे बगैर? देखो 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 आ गया एक तुम। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी? सरप्राइज। तो कैसा लग रहा है? मैं घर वापस आ गया तो पेट्रोल खर्च हो रहा होगा ना तुम्हारा। अच्छा सो फ्रेंड्स, रात के 9:30 हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए फील ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइस।